आज मैं मेंजील आदित्य रॉय कपूर, मृणाल ठाकुर और रोनित रॉय स्टार फिल्म गुमराह का रिव्यू लेके आप सबके समक्ष हाजिर हूँ। पर पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस मूवी का रिव्यू मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत करना चाहूंगा। तो बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन की। तो स्टोरी को लिखा है असीम अरोड़ा ने और मंगीस थिरुमणि ने, और इसे डायरेक्ट किया है वेदांत केटकर ने। अगर आपने फिल्म का ट्रेलर देखा है तो फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, हूबहू ट्रेलर ही है वो। फिल्म में आदित्य रॉय कपूर डबल रोल प्ले कर रहे हैं, एक हाई प्रोफाइल सिविल इंजीनियर का और दूसरा एक आवारा लड़के का जो कि चोर टाइप है। बेसिकली ये दोनों जुड़वा भाई होते हैं। फिल्म में एक कातिल को ढूंढने की तहकीकात चल रही है और कातिल दोनों जुड़वा भाई में से कोई एक है, यही कहानी है बस। मृणाल ठाकुर और रोनित रॉय पुलिस वाले की भूमिका में है फिल्म में। तो जैसा कि मैंने कहा, फिल्म सेकंड हाफ में प्रॉपरली शुरू होती है, या फिर भी कहूं कि नहीं शुरू होती, क्योंकि फिल्म का जो सस्पेंस है वो ढंग से बिल्टअप ही नहीं हो पाता। स्टोरी लाइन उतनी गजब की नहीं महसूस हो पाती। पता लग जाता है बिल्कुल आखिर में जाके कि किसने मारा था, पर कैची पावर नहीं महसूस हुई मुझे फिल्म के अंदर। अब बात कर लेते हैं एक्टर्स की, अदायगी किस तरह से लगी। तो सबसे पहले मृणाल ठाकुर के बारे में बात करते हैं। मृणाल ठाकुर एक बहुत ही मजी हुई अदाकारा है, बहुत ही अच्छी एक्टिंग वो करती हैं। वो अपने अभिनय का परिचय उन्होंने पीछे की मूवीज में दिया है, बट इस मूवी में वो उतनी, मेरे को पर्सनल लेवल में बोल रहा हूँ कि मुझे उतनी बाखूबी नहीं लगी। जैसा उनको पेपराजीज की इंस्टाग्राम वीडियोस में देखा है, वैसी वो यहाँ पे भी दिखाई दे रही थी फिल्म में। थोड़ा पेपराजी कल्चर को बंद किया जाए और क्राफ्ट में काम किया जाए तो ज्यादा मजा आएगा। जब आप इतने मजे हुए अदाकार हो तो वैसी आपकी छाप पर्दे पे भी दिखाई देनी चाहिए। जो करेक्टर है उतना स्ट्रांग नहीं बिल्टअप हो पाया। अब बात करते हैं आदित्य रॉय कपूर की। तो आदित्य रॉय कपूर एज यूजुअल एक ड्रंक मैन के रोल में दिखाई दे रहे हैं। अगर मेरी उनसे कभी मुलाकात हुई तो मैं जरूर उनसे पूछना चाहूंगा, हर मूवी में एक ड्रंक मैन का रोल ही क्यों कर रहे हैं। और यही बात मैं रोनित रॉय से भी पूछना चाहूंगा कि सर, हर फिल्म में एक कॉप का रोल ही क्यों, बार बार रेपिटेटिव रोल्स क्यों चल रहे हैं, जब आप इतने बेहतरीन कलाकार हैं। आदित्य रॉय कपूर ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है मूवी के अंदर, मजा आया, बट वाई ड्रंक मैन रोल अगेन। रोनित रॉय के साथ भी वही है, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, बट वाई कॉप रोल अगेन, बार बार वही रोल्स क्यों, जब आप इतने बेहतरीन कलाकार हैं, कुछ डिफरेंट रोल्स को लेके आइए ना, मजा आएगा आपको देख के भी उन रोल्स के अंदर। और बाकी जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स थे वो भी पर्दे पे उतनी अच्छी छाप अपनी नहीं छोड़ पाए, कहीं ना कहीं कमी रह ही रही थी मूवी के अंदर। अब बात कर लेते हैं म्यूजिक की। तो म्यूजिक ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप उसको थिएटर में गुनगुनाने लग जाए, या फिर थिएटर के बाहर निकलते हो उसे गुनगुना रहे हो, या फिर मैं ये बात भी कह सकता हूँ कि गुनगुनाने के लिए शायद थिएटर में ऑडियंस ही नहीं थी। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जिस सिनेमा हॉल में मैं गया हूं, वहां पे सिनेमा हॉल पूरा का पूरा खाली था, सिर्फ दो लोग। आप सोच के देखिए, इट्स वेरी सैड टू सी, एंड आई लिटरली वांट कि वापस से सिनेमा हॉल भरे, अच्छी स्टोरी लाइन आए। एक समय वो था जब एडवांस बुकिंग हुआ करती थी, लंबी लंबी कतारें लगा करती थी, मजा आता था, इतनी एडवांस बुकिंग होगी, इतना उन्होंने कैपिटल कमा लिया मूवी ने। बट आज की डेट में ऑडियंस को ही सिनेमा हॉल तरस गए हैं। कहते हैं फिल्म एक बार बड़े पर्दे पे लग जाए तो वो दर्शकों की हो जाती है, तो उनका एक हक बनता है। मैं एज अ बॉलीवुड लवर, मेरा भी एक हक बनता है कि मूवीज के बारे में बताना, अगर मैं देखने जा रहा हूं तो मुझे कैसी लगी, क्या नहीं लगा, क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। क्योंकि मैं जिन एक्टर्स को देखने गया था, मृणाल ठाकुर ले लो, रोनित रॉय ले लो, आदित्य रॉय कपूर ले लो, मैं इनको वाकई में बहुत बेहतरीन एक्टर मानता हूँ और इनसे वही एक्सपेक्टेशन भी रखता हूँ। इसी वजह से मैं अपना एक रिव्यू आप सबके समक्ष रख रहा था कि मुझे गुमराह मूवी किस तरह की लगी। चलिए, ये तो मेरा एक रिव्यू था गुमराह मूवी के लिए। अगले फ्राइडे फिर आपसे मिलते हैं अगली मूवी डेट पे। बाय बाय।